पांडास जो है वो तीन तरीके से डेटा स्टोरेज को यूज करता है, या बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर जो पांडास यूज करता है वो तीन फॉर्मेट है, या देर आर द थ्री डिफरेंट वेज जहां पर हम पांडास को यूज करके डेटा स्टोरेज टास्क को परफॉर्म करेंगे फॉर डेटा एनालिसिस। ये सीरीज हो सकता है, ये डेटा फ्रेम हो सकता है, ये पैनल हो सकती है। सीरीज का यूज हम तब करेंगे जब हमारा डेटा 1D अरे के फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करना है, जहां पर हम केवल रोज की बात करेंगे। डेटा फ्रेम को हम तब यूज करेंगे, डेटा फ्रेम क्लास को, जब हमें डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करना है। ये तीनों पाइथन में पांडास में क्लासेज हैं, और इनके जो ऑब्जेक्ट हैं दैट इज बेसिकली यूज टू स्टोर द डेटा, ठीक है। और यहां पर जब हम डेटा फ्रेम की बात करेंगे तो हमारा डेटा लिस्ट, अरे, डिक्शनरी, एक्सेल, CSV फाइल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, और उन फॉर्मेट के डेटा को यूज करके हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड देन आफ्टर विद द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा फ्रेम क्लास हम अलग अलग रिजल्ट्स को परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली यदि आपका डेटा 3D अरे के फॉर्मेट में है, देन वी विल गो फॉर पैनल, वहां पर हम पैनल को यूज करेंगे।